नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा राजपूत स्वागत करती हूं आपका दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। जो लोग पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं अभी तक हमारे चैनल यानी एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले भविष्य में जितने भी वीडियोस हम अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिल जाए और आप एक टैप से हमारे सभी वीडियोस को देख लें। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आप हमारे वीडियोस को क्यों देखेंगे, क्योंकि हम आपके लिए ज्योतिष से जुड़े हुए ढेर सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोज़ लाते हैं। हम इस वीडियो में आपको साल 2019 के 8वें महीने अगस्त के मासिक राशिफल के विषय में बताएंगे। इस राशिफल में हम आपके पारिवारिक, वैवाहिक, आर्थिक, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। साथ ही हम आपको अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ उपाय भी बताएंगे। इसके अलावा अगस्त के महीने में कौन कौन सी तारीख आपके लिए शुभ नहीं है, इसकी जानकारी भी आगे इस वीडियो में देखेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि अगस्त के महीने में कौन कौन से तीज त्यौहार हैं। सबसे पहले 1 अगस्त को है दिन गुरुवार और इस दिन है श्रावण अमावस्या। 3 अगस्त दिन है शनिवार और इस दिन है हरियाली तीज। 5 अगस्त दिन है सोमवार, इस दिन है नाग पंचमी। 11 अगस्त दिन है रविवार, इस दिन है श्रावण पुत्रदा एकादशी। 12 अगस्त दिन है सोमवार और इस दिन है प्रदोष व्रत। 15 अगस्त इस दिन है गुरुवार और अगर त्यौहार की बात करें तो रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा व्रत। साथ ही इस दिन जो 15 अगस्त का दिन है वो हम इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 17 अगस्त दिन है शनिवार और इस दिन है सिंह संक्रांति। 18 अगस्त दिन है रविवार, इस दिन हम मनाते हैं कजरी तीज। 19 अगस्त सोमवार, इस दिन मनाएंगे हम संकष्टी चतुर्थी। 24 अगस्त को दिन है शनिवार, उस दिन है जन्माष्टमी। 26 अगस्त दिन है सोमवार, उस दिन है अजा एकादशी। 28 अगस्त दिन है बुधवार, उस दिन है मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत। 30 अगस्त को दिन है शुक्रवार, उस दिन है त्यौहार भाद्रपद अमावस्या। तो ये सारे 30 त्यौहार जो हैं वो अगस्त में आने वाले हैं, अगस्त के महीने में हैं। तो आप अगर कोई व्रत करते हैं तो आप इसके हिसाब से, हमने एक छोटा सा कैलेंडर बता दिया आपको कि कौन कौन से 30 त्यौहार हैं। तो जितने धार्मिक लोग हैं जो व्रत आदि करते हैं उन्हें इस कैलेंडर से बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। ये जो महीना है कुछ खास होने वाला है, क्योंकि इस महीने में 5 जो है महत्वपूर्ण गोचर होने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं 5 गोचर की तारीख और किस राशि से किस राशि में कौन सा ग्रह करेगा गोचर, इसके बारे में। सबसे पहला है सूर्य ग्रह है, जो कि कर्क राशि से सिंह राशि में 17 अगस्त 2019 को सुबह 4:02 पर गोचर करेगा। मंगल ग्रह जो कर्क राशि से सिंह राशि में 9 अगस्त 2019 को सुबह 3:49 तक गोचर करेगा। बुध ग्रह मिथुन से कर्क राशि में 3 अगस्त 2019 को सुबह 3:53 पर गोचर करेगा। बुध ग्रह कर्क से सिंह राशि में 26 अगस्त 2019 दोपहर 1:46 पर गोचर करेगा। शुक्र ग्रह कर्क से सिंह राशि में 16 अगस्त 2019 को शाम को 8:07 पर गोचर करेगा। जब भी हम मासिक फलादेश की बात करते हैं तो उसमें सूर्य की स्थिति और सूर्य गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका कारण यह है कि सूर्य एक राशि में लगभग 1 महीने रहता है, या यूं कह लो सूर्य हर रोज 1 डिग्री चलता है एक राशि में, जिस वजह से 30 डिग्री चलने में उसे 30 दिन लग जाते हैं। अब क्योंकि जो सूर्य है कर्क से सिंह राशि में जाएगा और सिंह जो है सूर्य की खुद की राशि है, तो इस महीने में सूर्य की स्थिति अच्छी रहेगी और लगभग अच्छे परिणाम ज़्यादा आपको मिलेंगे। इसके साथ जब भी कोई गोचर होता है, चाहे वो किसी भी ग्रह का हो, तो वो गोचर वाली दोनों राशियां भी सक्रिय हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप सब लोगों को अलग अलग फल मिलते हैं उस महीने में। अब अगर देखें कि कौन सी राशि सक्रिय होगी तो वो है मिथुन, कर्क, सिंह। अब ये जिस भी भाव में, ये जो है जिस भी घर में रहेंगे ये तीनों राशियां, वो आपकी कुंडली में वो अपने आप एक्टिव हो जाएगा और उसी के आधार पर आपको पूरे महीने में फल देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे आखिरी राशि यानी मीन राशि की। सबसे अंतिम राशि होती है मीन राशि। मिथुन, कर्क और सिंह राशि आपके चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में आती है, जिसकी वजह से आपके ये भाव सक्रिय रहेंगे। चतुर्थ भाव होता है आपके माता की अच्छी मानसिक स्थिति का, उनके व्यवहार का। पंचम भाव होता है आपके लाइफ पार्टनर से मिलने वाले लाभ का और आपके पिता के लिए नौकरी में संकट का। षष्ठम भाव होता है आपके पेट से संबंधित बीमारियों का और आपके जीवन में सरकारी नौकरी के दिए जाने वाले एंट्रेंस एग्जाम का, जो कि छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। ये तीनों भाव इस माह में आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी की वजह से आपको पूरे महीने में अलग अलग परिणाम प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पारिवारिक जीवन के साथ। इस माह में पारिवारिक स्थिति अनुकूल रहने वाली है। घर परिवार में सबके साथ आपसी सामंजस्य बेहतर होंगे। आप जिस मोर्चे पर घर परिवार को सहयोग की भावना रखेंगे वहीं पर आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है।
यदि किसी तरह की कोई मतभेद या तनाव उत्पन्न हुआ है तो उसे दूर करने की कोशिश भी सफल हो सकती है। इसीलिए समय और परिस्थिति को देखते हुए घर परिवार का सहयोग और घर परिवार का विकास के लिए आप प्रयास करें। माता पिता के साथ संबंध और उनका सहयोग मिलने की संभावना है। साथ ही साथ भाई बंधु यानी घर के आपके जो बड़े हैं भाई बंधु लोग हैं उनके भी सहयोग आपको जरूर मिलेंगे इस महीने में। आप अपने जनों पर भरोसा ज्यादा कर सकते हैं बशर्ते आप जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें। आपको हर तरह के सहयोग प्राप्त होने की भी संभावना बन रही है। इस माह के उत्तरार्ध में घर परिवार में उत्सव सा माहौल हो सकता है। कुछ शुभ कार्य भी संपन्न होने की संभावना बन रही है। गुरु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहा है और बुध कर्क राशि में सूर्य के साथ संचरण कर रहा है जो शुभ कार्य होने की संभावना बन सकती है। घर परिवार में एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना उत्पन्न हो रही है। इस माह के उत्तरार्ध में पारिवारिक स्थिति बेहतर रहेगी। बात करेंगे अब आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ की। प्रेम संबंध का मामला इस माह में काफी अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिका के साथ मधुर संबंध रहेंगे और एक दूसरे के प्रति प्रेम में प्रगाढ़ता बढ़ेगी और हर संभव एक दूसरे का सहयोग करने में आप सफल हो सकते हैं। यदि आप अपने प्यार के साथ साथ कामकाज के क्षेत्रों में यदि कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं क्योंकि इस माह में स्थिति काफी अनुकूल रहने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में एक दूसरे का सहयोग अच्छा रहने वाला है। यदि आप किसी से प्रेम संबंध में हैं और चाहते हैं कि आगे की स्थितियां अनुकूल रहे तो आप थोड़ा समय निकालें, उनसे अपने प्यार का इजहार करने का उद्देश्य पूरा हो सकता है। अगर किसी तरह की कोई प्लानिंग हुई है और बाहर अपने साथ घूमने फिरने का मन बना रहे हैं तो वह सफल हो सकता है। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रखने से अच्छा लाभ मिलेगा, इसीलिए आप अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने की कोशिश करें जिससे आपके कामकाज के क्षेत्रों के साथ साथ आपके घर परिवार की स्थिति भी बेहतर बनी रहे। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा होगा तो ससुराल पक्ष से भी संबंध बेहतर होंगे और सहयोग प्राप्त हो सकता है। अब बात करेंगे हम आपके आर्थिक जीवन के बारे में। इस माह में आर्थिक लाभ का जो प्रयत्न है आपकी जो आप कोशिश करेंगे वो सफल रहेगा। अगर आप धन अचल संपत्ति प्राप्ति की दृष्टि से कोई कार्य व्यवसाय शुरू करने चाहते हैं जुड़े हुए हैं तो उसे पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वह भी सफल रहेगा। यदि भूमि वाहन का लाभ लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वह भी सफल हो सकता है। संबंधियों के साथ मिलकर किसी कार्य को करना आपके लिए तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर सकता है, इसीलिए संबंधियों से दूरी बनाए रखें नहीं और अनावश्यक धन का लेन देन ना करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो व्यवसायिक दृष्टि से धन लाभ प्राप्ति की अच्छी संभावना बन रही है। अगर आप किसी तरह की कार्य योजनाओं को विस्तार देने की कोशिश में हैं तो वह इस माह के उत्तरार्ध में आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आर्थिक लाभ प्राप्ति के जरिया बन सकता है आपको मिलेगा। यदि किसी तरह का निवेश करने का मन बना रहे हैं तो वह भी कर सकते हैं। इस माह में कुछ नया कार्य भी आपका सफल हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं और किसी कार्य व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ सकते हैं। यदि किसी तरह का कोई निवेश करने का मन बना रहे हैं, किसी इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हैं तो आप करें जरूर, लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में भलीभांति जानकारी हासिल कर लें। अब आपको बताते हैं कि कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य जीवन। अगस्त के महीने में मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इस माह में पेट से संबंधित किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हृदय से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए यदि किसी तरह की अनावश्यक कोई बीमारी उत्पन्न होती है तो उसमें सावधानी रखते हुए सही समय पर उसका उपचार कराना आपके लिए बेहद आवश्यक है। अब आपको बताएंगे कि अगस्त के महीने में मीन राशि के जातकों के लिए कौन कौन सी तारीख शुभ नहीं है। इस माह में 8, 9, 17, 18, 29 और 30 तारीख आपके लिए अच्छी नहीं है। इसमें मानसिक अशांति और तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए इन दिनों में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल ना करें। आगे आपको बताएंगे कि आप कहाँ से इन दिनों को छोड़कर बाकी दिनों में अपनी जीत मुहूर्त को पता कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं उपाय क्या है। गुरुवार का व्रत एवं पूजन करें। गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, विष्णु सहस्रनाम इत्यादि का पाठ करें। पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। ये जो कुछ उपाय हैं आपको अगस्त में होने वाले परेशानियों को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स हमें नीचे आप जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। साथ ही आपके जो भी सुझाव हैं उस पर जरूर विचार करेंगे क्योंकि आपके सुझाव हमें हर वीडियो में अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। आपका कमेंट लिखना तो लिखते रहें, आप अपने सुझाव देते रहें हमें, हम आपके हर कमेंट्स पढ़ते हैं, तो इसीलिए ज़रूर लिखें अपने कमेंट्स। और हम कोशिश करते हैं कि जिन लोगों का आंसर हम उन कमेंट बॉक्स में ही दे सकें, हम देते भी हैं। आपके रिश्तेदार दोस्त यार में आप इसे ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को काफ़ी लाभदायक है। हमने हर एंगल से अगस्त का महीना कवर किया है, पारिवारिक, प्रेम, दाम्पत्य जीवन, आपकी पैसे, आपके स्वास्थ्य के बारे में बताया और प्रॉब्लम
बता के छोड़ नहीं दिया, हमने उपाय भी बताई है। इसके साथ ही हमने एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताई है, अशुभ तिथियाँ, यानी कि जो आपके अगस्त के महीने में जो आपके लिए डेट शुभ नहीं है, हमने आपको ये भी बताया है। तो आप उन तिथियों को ध्यान में रख के कोई भी शुभ कार्य करें, ये हम आपको सलाह देना चाहेंगे। और अगर आप इन तिथियों को छोड़कर बाकी किसी भी डेट्स पर कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तो आपको नहीं पता है कि किस समय में आपको आज के दिन में शुभ कार्य करना है, तो आप हमारे डेली हॉरोस्कोप की वीडियो से अभिजीत मुहूर्त देखकर, पंचांग का एक सेगमेंट है जिसमें हम आपको शुभ समय बताते हैं, आप वहाँ से आप जो है हम आप अभिजीत मुहूर्त निकाल सकते हैं और उस मुहूर्त के अनुसार अपने शुभ कार्य कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप हमारे डेली हॉरोस्कोप के वीडियोस कैसे देखेंगे, उसके लिए आप हमारे ये यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर जाएं, वहां जाकर आप हमारी दैनिक राशिफल के वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप चैनल एक बार आपने सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दिया, तो आपको उसके बाद बार बार हमारे चैनल पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर दिन हम शाम को 5 बजे आने वाले दिन का डेली हॉरोस्कोप दैनिक राशिफल की वीडियो अपलोड करते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिल जाएगा और आप एक टैप से हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि यह जो राशिफल हमने बताया है, आपकी चंद्र राशि और लग्न दोनों पर आधारित है। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता वो क्या करें, तो आपके पास अगर अपने बर्थ डिटेल्स हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.astrosage.com पर जा सकते हैं, या फिर आप हमारी ऐप एस्ट्रोसेज कुंडली के द्वारा आप जो है हम आप वहां जाकर आप अपनी जो है अपने बर्थ डिटेल्स भरेंगे और आपको आपकी कुंडली निकल जाएगी। ऐप में तो आपको 50 पेज की कुंडली भी मिलती है जिसको आप PDF के रूप में सेव करके अपने फॉर्म में अपने रख सकते हैं अपने पास और भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस कुंडली में आपको आपकी राशि लिखी होगी, राशि पता करें और वीडियोस देखें, आपको पता चलेगा। आप अपने दिन को, अपने महीने को, अपने सप्ताह को अपने वैसे ही प्लान कर सकते हैं। इवन हम 2020 से जुड़ी हुई भी ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो अगर आप चाहते हैं उन सारी वीडियोस को देखना और अपने आप को पहले से ही आने वाले बुरे समय के लिए, अच्छे समय के लिए तैयार करना, तो आप ज़रूर देखें राशिफल की ये वीडियो। इसके अलावा अगस्त के महीने में कुछ ऐसे ऐसे त्यौहार भी हैं जो कि बहुत ही हमारे महत्व रखते हैं हमारे जीवन में, जैसे कि सबसे बड़ा त्यौहार है रक्षाबंधन। अगस्त के महीने में ये भाई बहनों का त्यौहार है जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उससे ये कामना करती है कि उसका भाई स्वस्थ रहे और उसका भाई हमेशा उसकी रक्षा करे। इसके अलावा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, इस दिन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी त्यौहार आ रहे हैं जो इस अगस्त के महीने में, इन सब के लिए आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यह कामना करेंगे कि ये जो अगस्त का महीना है इसमें आप खूब तरक्की करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारे सारे वीडियोस ऐसे ही देखते रहें। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।